नमस्कार भैया बनो, मैं पंकज कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर महाराजा हाता आरा आज आप लोगों का सप्तम का क्लास ले रहे हैं। और सप्तम के कक्षा में आज आप लोगों को एंगल्स और ट्राइंगल्स जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़े वो चैप्टर हमारा क्या है चैप्टर 6। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मीडियंस के बारे में और एटीट्यूड्स के बारे में परपेंडिकुलर्स के बारे में। आज हम लोग उसी क्रम में पीछे एक वीडियो जो हम लोगों ने देखा था उसमें था कि एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल ये दोनों चीज हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आपके सामने है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का मतलब हुआ कि किसी ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम, पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है। इस ट्राइंगल के प्रॉपर्टी को हमको आज यहाँ साबित करना है। जैसे मैंने कि यहाँ पर फिगर बनाया है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मीन्स क्या है, एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, एक आपको ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ए बी सी आपको ट्राइंगल दिया है। इसके तीन एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। हमको प्रूफ करना है। गिवन में क्या है भाई कि एबीसी एक ट्राइंगल है, यानी इस थ्योरम को हम लोग जब प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल है जिसका नाम हमने दिया है एबीसी। प्रूफ क्या करना है, एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्शन है, यानी जो दिया हुआ है उससे अगर हमारा चीज प्रूफ हो जाता है तब हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है उसको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अगर हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो उसके सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं भाई, तो एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए। इस लाइन का नाम हम एक्स वाई देते हैं, इस लाइन का नाम हो गया एक्स वाई, जा कहां से रहा है पॉइंट ए से। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख दिए ड्रॉ एक्स ए वाई, ए यहां पर दिए, एक्स वाई ड्रॉ किए हैं लेकिन किस पॉइंट से, पॉइंट ए से ड्रॉ किए हैं, इसलिए एक्स ए वाई पैरेलल बीसी हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, आगे लेके चलेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम है लीनियर पेयर, पिछले प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं लीनियर पेयर, तो यहाँ पर नाम दे दे 1, 2, 3 है, तो इसका नाम मान लीजिए 4 और इसका नाम मान लीजिए कि 5 हम दे दे। ठीक है। अब लीनियर पेयर हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। अगर मान लीजिए कि हम कोई चीज अगर भूल जा रहे हैं, हमारे पास वीडियो डाउनलोडेड है, हम उन वीडियो को पुनः क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर हमने CW HW बनाया हुआ है उसमें नोट किए हुए हैं, उन सारे चीजों को फिक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। ओके। अब यहां पर देखिए कि एक ये लाइन और एक लाइन है, अगर ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल, और जब ये और ये पैरेलल होता है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो इस तरह के एंगल हम बताए थे कि एस बनाता है, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल यहां पर जो हम बनाए हैं, अल्टरनेट एंगल क्या है, 4 है 2 है, तो लिख सकते हैं angle 2 = angle 4। रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। ठीक है। अब इसके बाद हम एक चलेंगे कहां, एंगल एक लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं सारे का सम कितना होता है, 180। तो देखिए हमारा एक्स ए वाई एक लाइन है, तो यहां लिख सकते हैं सिंस एक्स ए वाई इज ए लाइन, तो एक लाइन के अगर एक पॉइंट पर 2, 3, 4 जितने भी एंगल्स होते हैं सारे का सम कितना होता है, 180। ठीक है। एक लाइन पर तो 4, 1 और 5 यानी एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5 = कितना हो जाएगा,
180, ये लीनियर पेयर से हो गया। लेकिन एक चीज यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर 4 और 5 आ रहा है, 4 और 5, तो जिस तरह से हमने यहां 4 को साबित किया है उसी तरह से एक रिलेशन हमको 3 के साथ भी बनाना होगा, ठीक है। तो पहले हम वो रिलेशन बना लेंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, एक सिमिलरली का प्रयोग कर सकते हैं, इसी तरह से सिमिलरली क्या हो गया कि एंगल 4 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, तो 3 और 5 भी अल्टरनेट होगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये भी हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। अब हम लेंगे इस पर, सिंस एक्स ए वाई इज ए लाइन, एक्स ए वाई एक लाइन है, तो एक लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 180, therefore एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4 किसके इक्वल है, 2 के, 4 किसके इक्वल है, 2 के, तो 4 के जगह पर हम यहां 2 को रिप्लेस कर दें, प्लस एंगल 1 प्लस 5, 5 के जगह पर देखिए 3, 5 इक्वल टू 3 एंगल के है, तो 5 एंगल के जगह पर एंगल 3 रिप्लेस कर दिए, इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए जो हमको प्रूफ करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री यहां आ गए। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, हमें इसको अरेंज कर दिया, ठीक है, गुड। अब इस पर सेकंड देखें, हम लोग थ्योरम में सेकंड थ्योरम में कह रहा है एन एक्सटीरियर एंगल, यानी अगर एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना, ठीक है। अब ट्राइंगल में जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। अब आप कहिएगा क्या चार जी, इसको हम बढ़ा रहे हैं, दूसरे तरफ नहीं बढ़ा सकते, तो बढ़ा सकते हैं दूसरे तरफ भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको इधर बढ़ा दिया, तो ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक, कोई बालक इसको इधर भी बढ़ा सकता है, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्रिएट कर सकते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल अगर हम लोग को तीनों को अगर क्रिएट करना होगा, ये भी नहीं बताना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, फिर भी जैसे एक इधर ऐसे गया, तो फिर एक इधर गया, तो ये इधर आएगा, ये फिर इधर आएगा, इस तरह से रोटेशन एक्सटीरियर एंगल से सारे पर हो जाएंगे, है। हम तो एक थ्योरम पढ़ना है अभी हमको यहां पर कि एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है, देखिए एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4 इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, इस चार के इंटीरियर एंगल 1, 2, 3 है, लेकिन इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब एंगल 1 और एंगल 2, यानी हमको साबित करना है कि ये 4 किसके 1 और 2 के सम के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे इसी थ्योरम के जैसा, गिवन में क्या है, एबीसी इज ए ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें इन विच एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी जिसको हमने 4 नाम दिया है, इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहां पर हम इज एंड भी लिख सकते हैं, इज एंड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब प्रूफ हमको करना है क्या, वही पहले बता चुके हैं आपको, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमने यहां इसको लिख दिया। अब हम लोग इसको प्रूफ करना है, ठीक। अब यहां पर हम चीज एक चीज जानते हैं कि लीनियर पेयर एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू होता है कितना, 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हुआ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो गया, जैसा यहां एक लाइन पर बात किए थे। इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी जो बगल में हम पढ़ेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हो गया बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहां लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए यहां इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 1 और 2 है, दोनों का रिजल्ट 180 आ रहा है, ठीक। अब दोनों का जब रिजल्ट 180 आ रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तब यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, तो हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब देखिए यहां 3 और यहां 3, ये दोनों 3 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ है,
तो देयरफॉर हो गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा हो गया प्रूफ, यहां पर ये भी हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से हमने यहां पर दो थ्योरम आप लोगों को दिखाया है, दो थ्योरम का हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब एक्सरसाइज 6.2 से या 6.3 से रिलेटेड 6.1 आप लोग बना लिए होंगे पिछले वीडियो के आधार पर, एकदम सिंपल है, और 6.2 और 6.3 के एक दो प्रश्न का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, होमवर्क में आप लोग को बनाना होगा। 6.1 अगर आप लोग बना दिए होंगे तो ठीक है, नहीं बना लिए होंगे तो एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3 आप लोग बनाइएगा, और फिर नहीं समझ में आएगा तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको देखेंगे, उसके बाद फिर हमने एक दो सोल्यूशन आपके सामने बता दें। ओके, अब हम लोग देखिए यहां पर देखेंगे एक्सरसाइज, अभी आप लोग को बोला एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हल्का। यहां पर हमने देखिए एक फिगर बना दिया, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, आप अपने पुस्तक में देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर नंबर 2 है। इसमें नेम नहीं लिखा हो, नाम नहीं लिखा हो, तो चाहे तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन नाम लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी, और इसको यहां एरो मार्क देकर यहां पर हम लोग डी लिखे। हम लोग को एक्स का वैल्यू इसमें निकालना है। आप देखिए कि यहां पर एक्स जो है एक्सटीरियर एंगल, पहले जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहां पर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 10 110, ये हमारा हो गया 110 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, सिंपल एकदम। अब इसी में फिगर नंबर 5 पर ध्यान दे रहे हैं, फिगर नंबर 5 इसमें भी देखिए एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, ये भी 50 ये भी 50, इसका निकालना है, फाइंड आउट करना है, इसमें भी हम लोग नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो इसी के जैसा सेम एक बार रिविजन के लिए क्वेश्चन और बता दिए, एस इज इक्वल टू बनाएंगे इसी पैटर्न से, एस इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, हमारा हो गया कितना 100 डिग्री, ये हमारा एक्स का वैल्यू हो गया। कितना आसान है। फिर उसके बाद इसके ही अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें उल्टा काम कर दिया, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा था, अब क्या किया है क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीरियर दो एंगल में से एक एंगल को फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो ये इक्वल टू इन दोनों का सम होता है, ऐसे भी हम बना सकते हैं, तो इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं, फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू, या फिर अगर हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हैं क्या, 60 प्लस एक्स इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है तो 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो सकता है, ऐसे बना सकते हैं, या फिर इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। एक और तरीका से क्या बना सकते हैं, डायरेक्ट x का वैल्यू x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसमें भी कौन से प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहां पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, तो इस तरीका से या इस तरीका, दोनों में से किसी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री जब भी हम बनाएंगे तो प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे। जैसे यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अवश्य लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिख के बनाएंगे तो ज्यादा हमारा बेटर है, सही है। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पर देखेंगे, ध्यान देंगे एक्सरसाइज 6.3 पर। एक्सरसाइज 6.3 में क्या किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी पर बात किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या किया देख लीजिए, यहां पर पहले यहां दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अब हम कहेंगे आचार्य जी यहां पर तो एक्स दिया है मालूम है, ये क्या है, ये दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, वो साइन होता है किसका, 90 डिग्री का। ऐसा साइन अगर कहीं भी हम देखेंगे तो उसका मतलब क्या है, 90 डिग्री, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक, यहां पर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो दो तरीका इसमें भी है, फर्स्ट मेथड कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, 90 प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री,
अब x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों को सम कर देंगे, यहां पर भी सम कर सकते हैं, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आपका हो गया, देयरफोर x इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री आंसर हो गया। ये यहां पर इंप्लाइड एट का साइन देते हैं या फिर और लिखते हैं, ठीक है, लास्ट में देयरफोर। अब सेकेंड मेथड से इसको अगर हम बनाएंगे तो डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। अब लेकिन एक चीज और यहां पर बता दें, यहां पर प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी जरूर लिखकर बनाएंगे। अब दूसरा मेथड जो हम अप्लाई करें, यहां लिख सकते हैं एक्स एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, यानी x का वैल्यू निकालना है तो 180 में से इन दोनों को जोड़कर हम घटा देते हैं, ऐड करके, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो यहां को लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, अब यहां पर हो गया x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे 120 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री, यह हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं 6.3 का, ये दो तरह से, दोनों में से कोई तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये सारा चीज आप लोग सीडब्ल्यू में जरूर कर लीजिएगा, सीडब्ल्यू के बाद फिर एचडब्ल्यू मिलेगा, तो एचडब्ल्यू हम लोग को बनाना है, इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए ठीक से। हमने यहां इसको मिटा दिया, आपके पास एक सुविधा है, आप जो वीडियो से देखते हैं, YouTube से देखते हैं, आप उसको पिछले क्लास में भी बताया था, उसको पॉज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये पार्ट आप देख चुके, इसको अभी आपको लिखना है या समझना है, तो आप वहां पर उसको पॉज कर दीजिए, पॉज करके सीडब्ल्यू उतार लीजिए, फिर उसको रिज्यूम कर दीजिएगा। ओके, हम लोग अब देखा गया क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हमने इसका फिगर बना लिया, इसमें भी हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहां दो है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, दो वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। x का जगह वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो मालूम है पीछे इस वाले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x का एंगल निकाले, जो यहां पर हम लोग निकाले थे x का एंगल 120 में से 60 को सब्ट्रैक्ट किए थे, वही काम यहां पर हम करेंगे। x का वैल्यू निकालना है तो 120 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। Therefore, x का वैल्यू आ गया कितना, 120 में से 50 जाएगा तो 70 डिग्री आंसर हो गया आपका, ये x का वैल्यू निकल गया। अब हमको y का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू हम दो तरीका से देखें, यहां पर हम दो तरीका से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला तरीका लीनियर पेयर से, y का वैल्यू देखिए ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो y का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यहां लिख देंगे लीनियर पेयर से बना रहे हैं। अब y इज इक्वल टू हो जाए कितना, 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री आंसर हो गया आपका। ये एक तरीका ये है y का, सेकंड मेथड निकालने का है y निकालने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का ही प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम किसका किसका, 50 डिग्री प्लस x डिग्री, y इज इक्वल टू 180। अब यहां पर हमने कौन सा प्रॉपर्टी का प्रयोग किया, लिख देंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का प्रयोग किया। अब y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब हमारे पास 50 डिग्री है और यहां पर हम क्या है प्लस x का वैल्यू देखिए हमको आया यहां पर 70 डिग्री लिख दिए। अब कुछ भैया बहन इस तरह से लिख देते हैं, लिखने में तो देखने में ठीक लग रहा है लेकिन यहां पर गलत है। क्या गलत है कि ये दोनों ब्रैकेट में होना चाहिए, बहुत सारे भैया बहन जल्दीबाजी में लिखते ब्रैकेट छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ 50 माइनस में होगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके वो बोर्ड मास्टर रूल का प्रयोग करेंगे हम, 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 120 डिग्री। अब
180 डिग्री माइनस 120 डिग्री है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री हमारा आ गया आंसर। देखिए दोनों तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं, तो कुछ भैया ऐसे ही बना सकते, कुछ भैया ऐसा ही, दोनों सही है, ठीक है, इसको देख लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, आप लोग इसको देख लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम बना रहे हैं, देखिए यहां पर x x y दिया हुआ है। अब यहां पर जैसे हम क्या करते हैं, अगर y, देखिए आपको बताया था कि एक लाइन दूसरे लाइन को अगर काटता है तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो y का देखिए यहां पर अगर हम y का वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। आई इसको हम लिख सकते हैं कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम निकालेंगे बाय एंगल्स, हम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, तो शुरू में भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसके लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स 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 को जोड़ेंगे तो हमारा 2x हो गया, प्लस वाई का वैल्यू हमको मालूम है यहां पर 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब x का वैल्यू निकालना है तो 90 डिग्री बाई में 2, अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो देयरफॉर 2 से 90 डिग्री को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। x इज इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। तो इस तरह से हम लोगों का ये एक्सरसाइज 6.1 को पिछले वीडियो को देखते हुए समाप्त हुआ। आज आप लोग सीडब्ल्यू इन सारी चीजों को कीजिएगा, होमवर्क में आप लोगों को 6.2 और 6.3 बनाना होगा, तो ध्यान से बढ़िया से बढ़िया चित्र बना के अच्छी तरह से प्रॉपर्टी लिखकर आप लोग बनाएगा। ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।